हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तीन मल्टीपल स्टॉक के बारे में। तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आप लोगों के पास है, किसी भी लेवल पे है, या फिर हाल ही में आपने इनमें फ्रेश बाइंग किया या फ्रेश बाइंग करने से सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास है, आप एवरेज करने से सोच रहे हो कि कौन से लेवल पे एवरेज करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं लॉजिक का शब्द बताऊंगा कि आज के दिन इन तीनों स्टॉक में बहुत ही कमाल की न्यूज़ आ चुका है। इनमें से एक दो स्टॉक ऐसा है जिनमें बहुत ही एक मल्टी बगर गुड न्यूज़ आ चुका है, और एक स्टॉक ऐसा है जिनमें एक बैड न्यूज़ आ चुका है। तो कौन सी वो स्टॉक है जिनमें बैड न्यूज़ आ चुका है, और कौन सी दोनों स्टॉक है जिनमें गुड न्यूज़ आ चुका, और इसका इंपैक्ट मंडे के दिन इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, और साथ साथ आप लोगों को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और ये तीनों स्टॉक हम डिटेल में लॉजिक के साथ कंसिडर करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड तो इस कमाल के स्टॉक है। आप देख पाएंगे आज के दिन 1% की तेजी, जो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है। देन 6 मंथ में 18% की गिरावट। जो लोग अभी भी बाजार में इंटर किया, दोस्तों ध्यान से सुनना, जो लोग अभी भी 2020 के बाद जिन्होंने इंटर किया बाजार में, आपको 1-1.5 साल हुए, तो आपको ऐसे लगता है कि ये जो गिरावट है बहुत ही भयंकर गिरावट है। दोस्तों, ये गिरावट वो आपको कुछ ही टाइम में, आपको हर कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगी। ये बाजार के पार्ट है। फिर ये स्टॉक जो 1500 के हैं, लगभग 2022 तक जाएंगे, फिर स्प्लिट बोन जैसे एक्टिविटी आपको इजिली मिल जाएगा। उसके बाद फिर स्टॉक अच्छे खासे रैली दिखाएगा, फिर स्टॉक में 20-30% की गिरावट, ये चीज़ें चलते रहेंगे। दोस्तों, ये एक साइकिल है, ये अप्स एंड डाउन, ये तो ट्रेडर लोगों का काम है। तो अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए आप आते हो, तो ये पेन आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। देन 1 साल में सेम चीज़ है दोस्तों, शॉर्ट टाइम 6 मंथ से 1 साल में किसी भी स्टॉक में बाय करोगे तो वो बाइंग प्राइस के नीचे आएगा, और कुछ टाइम तक आपको वो परेशान जरूर करेगा। तो इन्फोसिस में कमाल की गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो चलते हैं हम उस न्यूज़ के ऊपर, और इस न्यूज़ का कितना इंपैक्ट हो सकता है शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम, वो भी हम साथ साथ जरूर कंसिडर कर लेते हैं। सो आप देख पा रहे, इन्फोसिस इज द मोस्ट फेवरेट म्यूचुअल फंड स्टॉक, एंड और भी 8 स्टॉक है, वो भी हम जरूर कर लेंगे। लेकिन जो मोस्ट फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, मतलब पहला स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड के फेवरेट स्टॉक है, जो कि गिरावट होते हैं इन स्टॉक को सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो है इन्फोसिस लिमिटेड। अब चलते हैं पूरे न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो आप देख पाएंगे म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग किया इस हर डिप में, दोस्तों इंडियन मार्केट में जब करेक्ट हुआ था बीआर मार्केट में, तो हर डिप में उन्होंने बाय किया। फिर आप देख पाएंगे इस बार जो उन्होंने डोमेस्टिक, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, तो उन्होंने लगभग 3 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और साथ साथ जो उनके 4 बिलियन है फॉरेन इन्वेस्टर ने, मतलब सेलिंग किया, आप ऐसा बोल सकते हो। देन म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो लगभग, आप जैसे मतलब 3 बिलियन, उनमें जो दोस्तों इंडियन करेंट के हिसाब से लगभग आप बोल सकते हो 25,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ 8 स्टॉक में। कौन सी वो एक स्टॉक, तो हमें पता चलेगा कि इन्फोसिस लिमिटेड है, लेकिन आप देखते बाकी 700 कैसा है, और सबसे ज़्यादा इन्फोसिस किस में निवेश किया, वो भी हम साथ साथ जरूर देख लेते हैं। सो आप देख पाएंगे पहला दोस्तों 25,000 करोड़ में से सबसे ज़्यादा अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया, वो है दोस्तों इन्वेस्ट किया इन्फोसिस लिमिटेड में 5,625 करोड़, मतलब जैसे मतलब फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, सिर्फ म्यूचुअल फंड के नहीं, बहुत सारे लोगों का, मेरे भी ये फेवरेट ही स्टॉक है। टीसीएस नहीं, टीसीएस से भी कमाल के स्टॉक मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस लिमिटेड, और भी बड़ी कंपनी बनने का दमखम जरूर रखता है। देन एचडीएफसी बैंक, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है, मतलब किसी भी सेक्टर में जाना है, तो उसको लीडर को आप चूज कर, लीडर आपके पास होना चाहिए। लीडर में क्या होता है, हाँ रिटर्न तो जरूर कम मिलता है थोड़ा, लेकिन जो एडवांटेज होता है आपके पास बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है ना उस सेक्टर में, तो लीडर जो होता है वो सारी चीज़ों को इजीली हैंडल कर लेता है। देन आप LIC देख पा रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्री, फिर डिलीवरी जो कि अभी भी बाजार में लिस्टिंग हुए। देन आप देख पा रहे हो TCS, ICICI बैंक, HDFC, मारुति, ये टोटल 8 स्टॉक है दोस्तों, लेकिन उस सबसे ज़्यादा अगर किसी में इन्वेस्ट किया 5,625 करोड़, वो है दोस्तों हमारे TCS, कमाल के स्टॉक है दोस्तों। आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, आपको थोड़ा सा लंबा खेलोगे ना ऐसे स्टॉक, किसी भी कंपनी में आप लंबा खेलोगे तो 200-200% का रिटर्न, वो भी आपको एक बार स्प्रिट जैसे एक्टिविटी मिल चुका, और आगे भी जाके आपको मिलता रहेगा, और जो आपका कैपिटल है वो बहुत ही लो रिस्क रहेगा, रिस्क बहुत ही लो रहेगा, और जो आपका कैपिटल गेन है वो भी आपको कमाल के जरूर मिलेगा। तो इन्फोसिस अगर आपके पास है, हर डिप में आप बिंदास ऐसे फिगर के आप चल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, आपको मतलब शानदार रिटर्न आपको जरूर देगा, FD से बेस्ट और लो रिस्क वाले स्टॉक है। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अदानी विलमल लिमिटेड। तो अदानी विलमल लिमिटेड में एक नेगेटिव न्यूज़ आ चुका है, जो कि अब मैंने आपको बताया था कि बैड न्यूज़, तो चलते हैं हम उस बैड न्यूज़ के ऊपर। सो आप देख पाएंगे द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे से, उन्होंने गवर्नमेंट ने फ्राइडे को कहा है दोस्तों, आप देख पाएंगे 15 रुपये पर लीटर जो एडिबल ऑयल है दोस्तों, तो उसमें आप देख पाएंगे 15 रुपीज़ पर लीटर में रिड्यूस करने के लिए गया, जितने भी एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी है, जितने भी चाहे वो रुचि से हो चाहे वो अदानी विलमल हो, इनके लिए एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि पहले जो सामान बेचते थे 100 रुपये में, अब वही सामान उनको बेचने पड़े 85 रुपीज़, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल की बात करूँ, अभी 15 रुपीज़ कम कर दिए तो आप बता सको, तो ये जो है उनके ऑलरेडी जो पैसे उनके आते थे उनमें से 15 रुपीज़ कम आएंगे, तो आप खुद सोचते हो इनके रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट में, तो अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट में प्रॉब्लम होता है तो शेयर प्राइस में आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो कि स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है।
लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अदानी विनिर्माण लिमिटेड अगर आप लोग के पास है या फिर अदानी के किसी भी स्टॉक अगर आप लोग के पास है तो बिंदास होल्ड करना। अभी अदानी के जमाना चल रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये स्टॉक आकर जाके कब इसमें सर्किट लग जाएगा एक पॉजिटिव न्यूज़ में, जो कि स्टॉक अपने टॉप लेवल 878 है उसको भी तोड़ के आप 1200 भी देखने को मिल सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप लोग के पास है बिंदास कंटिन्यू करना, अदानी के स्टॉक लॉस में बेचना मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी रहेगा, तो प्लीज़ जरूर कंटिन्यू करना। देन आखिरी और लास्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल लिमिटेड। दोस्तों कमाल के गुड न्यूज़ आ चुका है, वैसे स्टॉक जो है जिस सेक्टर में काम करता है लीडर, ये तो एक एडवांटेज वाली बात है, लेकिन इसमें एक कमाल की गुड न्यूज़ आ चुका है। उस गुड न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले कुछ डेटा और भी देख लेते हैं। हर सेम चीज़ है दोस्तों, हर चीज़ रिपीट होता है। आप किसी स्टॉक में 6 मंथ के लिए बाय करोगे 1 साल के लिए, तो आपके जो कैपिटल है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, 13% की गिरावट, 1 साल में लगभग 16%। तो उनको, लेकिन जिन्होंने टॉप पे बाय किया अब ऐसा बोल सकते हो 35% करेक्शन हो चुका है, जो कि एक नॉर्मल बाजार के पार्ट है। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ आपको पेन झेलना ही पड़ेगा। तो न्यूज़ क्या है, चलते हम उस न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ है दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज। आप लोगों को पता है जब किसी भी स्टॉक में ट्रेड होता है तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ जो परसेंटेज होता है वो लोग बाय करके घर लेके जाते हैं, ऐसा बोलते हो डिलीवरी में बाय करते हैं। आप लोगों को पता है जैसे आप किसी स्टॉक में बाय करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ें कंपनी आप देख पाओगे, तो इसके मैंने 3 मंथ के डेटा निकाले हैं, तो आप देख पाएंगे एस्ट्रल लिमिटेड, तो 3 मंथ में जो डिलीवरी कल के दिन उठाएगा दोस्तों फ्राइडे को, दोस्तों वो कमाल के आज तक कभी भी नहीं उठाएगा। मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों आप देख पाएंगे एस्ट्रल लिमिटेड, तो आप देख पाएंगे ये रहा दोस्तों 3 मंथ से, तो कब से ये डेटा दोस्तों हमारे पास बहुत 11 अप्रैल से है, तो हम देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो 51%, 2% ये रहा दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज, 25% आप देख पाएंगे सारे जो 40, फिर लगभग 70, एक बार 70 के आसपास, फिर 62, फिर जाके 50 के रेंज में हमें ज़्यादा देखने को मिला है, 50, 50, 37, 40 आप जाके दोस्तों अभी भी इतने आप देख पा रहे हैं। हम लास्ट 3 मंथ के डेटा निकालने के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम ऐसा हमें देखने को मिला जो कि 76% से भी ज़्यादा के डिलीवरी उठाया गया। दोस्तों अभी आपको पता है Q1 नंबर आना भी बाकी है, तो हो सकता है Q1 नंबर बहुत शानदार है, इसलिए पहले से इनमें पोजीशन बनाया जा रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा एस्ट्रल लिमिटेड अगर आप लोगों के पास है तो 3 मंथ में से पहली बार इतने हमें परसेंटेज देखने को मिला है, जो कि बहुत ऐसे करके दोस्तों मैंने बहुत अपने शॉर्ट टर्म में बहुत सारे रिटर्न कमा चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई धमाका हो सकता है, हो सकता है Q1 के नंबर में कुछ बोनस स्प्लिट जैसे एक्टिविटी की अनाउंसमेंट कर सकता है, हो सकता है इस बार के जो नंबर है वो बहुत ही शानदार है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए पहले से इनमें पोजीशन बना के रखा जा रहा है। तो एस्ट्रल लिमिटेड अगर आप लोगों के पास है नो डाउट कमाल के स्टॉक का लीडर है, बिंदास इसे भी करके चल सकते हो, और इस चीज़ को जरूर नोट कर रखना, इसके रिजल्ट का भी ये चीज़ें भी फोकस रखना। तो सोचते वीडियो देते हैं, कोई डाउट है कमेंट सकते हैं पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पॉइंट अच्छा लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सोचते मिलते ऐसे ही इंडियन टीवी के साथ, तब तक के लिए।